नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कल शिवसेना की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई, इस पर शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने दी प्रतिक्रिया। कृपाल तुमाने ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, विभिन्न विषयों पर की चर्चा। और जरीपटका, यशोधरा और तहसील पुलिस थाना द्वारा नागरिकों को आवाहन, एमडी बिक्री और सेवन के बारे में पुलिस को दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। कल शिवसेना की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष देसाई ने कहा कि शिवसेना के वकीलों ने मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी की, विपक्षी दलों को लिखित में अपनी बात रखने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले पर फैसला करेंगे, इसलिए ये मामला विधानसभा या राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसे पूरी तरह से तय करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया सुभाष देसाई ने दी। शिवसेनेच्या याचिकांवर सुनावणी झाली आणि ही सविस्तर अशी सुनावणी झाल्यानंतर आताचं कामकाज आजच्यापुरतं तहकूब करू, उद्या सकाळी पहिले हीच केस येणार आहे आणि त्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींचे जे बेंच आहे ते पुढची सुनावणी करणार आहे। आज जी काही झालेली आहे सुनावणी, त्याच्यामध्ये शिवसेनेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत या सर्वांनी बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडली आणि आमचा जो युक्तिवाद आहे तो व्यवस्थितपणानं न्यायमूर्तींसमोर मांडलेला आहे। न्यायमूर्तींनी ह्या सगळ्या मुद्द्यांची दखल घेतलेली आहे, समोरच्या बाजूनीसुद्धा त्यांनी मुद्दे मांडलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये समोरच्या बाजूचे जे वकील आहेत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचे मुद्दे लिखित स्वरूपात द्यायला सांगितलेलं आहे। नाही, ते अजून मानलेलं नाही। आता सर्वोच्च न्यायालयानं हे सांगितलं की आम्ही हे ठरवतो, त्यामुळे आता हे विधानसभेकडे किंवा अध्यक्षांकडे प्रकरण जात नाही, ह्याचा निकाल पूर्णपणे अंतिमतः सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीच करणार आणि उद्याची जी सुनावणी आहे ती महत्त्वाची ठरणार आहे आणि त्याच्यातून कसं पुढे काही नाही। ह्या एकंदर अपात्रतेवरच खास करून ह्याची चर्चा सुरू आहे आणि त्याच्यावर उद्या निर्णय मिळेल। गोंडवाना रिपब्लिक पार्टी युवा मोर्चाचे वती और आदिवासी भाइयों ने 2 अगस्त को जिला कलेक्टर को निवेदन दिया कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, इसलिए इस दिन को सरकारी अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन दिया गया। 9 अगस्त विश्व स्वदेशी जन दिवस है। आदिवासी समुदायों के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। पानी, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार बरकरार रहना चाहिए। उनकी विशिष्ट संस्कृति, पहचान, अस्तित्व, स्वाभिमान और पहचान को जीवित रखा जाना चाहिए। व्यापक जन जागरूकता और प्रयासों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस दिन को मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुनिया भर के आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आदिवासियों के आत्मसम्मान और पहचान को बढ़ावा देता है। इस दिन का महत्व अद्वितीय है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संगठन ने इस दिन को स्वदेशी लोगों के विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है और ये दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है और उस दिन को मनाने के लिए सरकारी अवकाश होना चाहिए ताकि छात्र और कर्मचारी भी इस दिन को मना सके। इस समय प्रतिमाताई मडावी, अधिवक्ता आशीष उके, गंगाताई टेकाम, सुनीताताई ओइके सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। नागपुर के वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत यूनिट 3 टीम द्वारा क्रिकेट पर सट्टा खेलने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 2,36,600 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आज 3 अगस्त को यूनिट 3 की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ छापेमारी की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शुभम विजय राव ठाकरे, शुभम अनिल येलपुरवार,
तनय अजय अहेर और प्रशांत पारदी फाइनल क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4था आरोपी प्रशांत पारदी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए MI कंपनी का TV और सेटअप बॉक्स रिमोट, विभिन्न कंपनियों के 13 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, वाईफाई बॉक्स, एक्सटेंशन बोर्ड और चार्जर, 2 पेन ड्राइव, 9,000 रुपये की नकद राशि, ऐसा कुल 2,36,600 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोखड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। सांसद कृपाल तुमाने ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मांग की कि केंद्र सरकार को देश भर के अनाथालयों में लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये भी कहा गया कि 18 साल की उम्र के बाद उन्हें शादी तक अनाथालय में रहने दिया जाए। इसके साथ ही तुमाने ने गृह मंत्री अमित शाह से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। गृह मंत्री शाह ने सांसद कृपाल तुमाने से कहा कि सरकार अनाथ बच्चियों के मुद्दे को लेकर गंभीर है और जाति के आधार पर इस मामले पर ध्यान देगी। भारत में करीब 3.5 करोड़ बच्चे अनाथ हैं और ये हर साल बढ़ रहा है। सांसद तुमाने ने कहा कि नीति आयोग ने अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है और इसके बारे में जानकारी एकत्र की है। मुळे ज्या नदी नाल्यांना पूर आले आणि शेतामध्ये जे पाणी जमलं त्यामुळे संपूर्ण या नागपूर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचं फार मोठं नुकसान झालं आहे। सर्व पिके उद्ध्वस्त झालेली आहे। या अनुषंगाने आज मी आदरणीय गृहमंत्री अमित शहाजी साहेबांना भेटायला गेलो तर त्यांना विनंती केली की आपण या केंद्रीय सरकारकडनं आमच्या नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळायला पाहिजे। मी त्यांना 50,000 रुपये एकरी मिळावेची मागणी केलेली आहे। तसेच त्या ठिकाणी एक अनाथ मुलींचा जो विषय आहे, आपल्या भारतामध्ये 18 वर्षाच्या झाल्यानंतर मुलींना अनाथालयातून काढण्यात येतो व त्यानंतर मुली कुठे जातात, काय जातात, त्याचा कोणताही रेकॉर्ड सरकारकडे नाही आहे। म्हणून मी त्यांना मागणी केली, अशा ज्या 18 वर्षाच्या झालेल्या मुली आहेत यांच्या लग्नापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्र सरकारने घ्यावी, त्यांच्यासाठी 18 वर्षाच्या नंतरकरता वेगळे अनाथालय स्थापित करण्यात यावे आणि त्या मुलींचे लग्न लावून देण्याकरता सरकारने त्यांना प्रयत्न करून लग्न असेल, त्यांना नोकरी देण्यासंदर्भामध्ये निर्णय करायचा असेल तर ते सरकारने करावे, जेणेकरून या मुलींचा सर्वांना माहिती असेल, मुली चांगल्या पद्धतीने आपला पुढचा संसार थाटू शकेल। याकरता मी आज आदरणीय अमित शाह साहेबांना भेटलो आणि त्यांना या 2 मागण्या मी त्या ठिकाणी केल्या। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। मारेगांव शहर के पूर्व गौराला फाटा के पास स्टेट हाईवे पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना रात 12 बजे हुई। मृतक बालकृष्ण महादेव पंच भाई और घायल 50 वर्षीय शिवदास पाइगन को गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए वणी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों चंद्रपुर जिले के रहने वाले हैं। मारेगांव से दुपहिया वाहन डबल सीटर गौराला फाटा स्टेट हाईवे पर वणी जा रहा था। वही सड़कों पर बने गड्ढों से बचते हुए मालवाहक वाहन से जोरदार टक्कर में दुपहिया मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। चौपहिया वाहन सड़क की ओर निकल गया। सूत्रों ने जानकारी दी कि महिला खेतीहर मजदूर कृषि कार्य के लिए नरसाला आ रही थी और उन्हें मामूली चोटें आई है। महिला का वाणी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि मृतक बालकृष्ण को मारेगांव के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया है और गंभीर रूप से घायल शिवदास को इलाज के लिए चंद्रपुर रेफर कर दिया गया। मारेगांव पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। गोसे खुर्द बांध में कुही तालुका के कई गाँवों का पुनर्वास किया गया है और कई लोग लाभ से वंचित है। अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण कई लोगों ने अब तक आत्महत्याएं कर ली है। इसलिए अब एक परिवार सरकार के कुप्रबंधन से तंग आकर जल समाधि लेने वाला है। वास्तविक भूखंड धारकों को छोड़कर अवैध भूखंड आवंटन का एक ज्वलंत उदाहरण किसी तालुका के किसी तहसीलदार के तहसील कार्यालय में हो रहा है। जिसका घर खो गया, कृषि खो गई, दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया गया और उसका खेत गोशे कुर्द बांध को दान कर दिया गया, लेकिन अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इस पर अधिक ध्यान देते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है। 2014 से 22 तक उन्हें इनके अधिकारों से वंचित करने के लिए सैकड़ों याचिकाएं प्रस्तुत करने के बावजूद उप कलेक्टर, नागपुर उपमंडल अधिकारी उमरेड, तहसीलदार कुही और जाधव महोदया के कुप्रबंधन के कारण उनके जीवन को समाप्त करने का समय आ गया है। इसमें शामिल अधिकारियों की गहन जाँच की जानी चाहिए और इस परियोजना के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए हर्षा रोशन खेड़े की रिपोर्ट। माफ आयाले गेल्या वर्षी देशला होता धाका होता सुजला द्या हे का होता जी हे बा मग हे दुख असे सुजले आहेत ना काय दुख असे तो सापाने चावलन होत तो छोय दुख आता दवाई पाणी घेऊन सऱ्या का करो हा पान जी तुम्ही हा दिसला मग हा ठीक आहे आता हिरभर माणूस हिमते रातच्या येऊन झोपते आता बाजावर काय झाला तर तो येऊन गेला असं बिचारा घेतला ना असा लोंदा उपर आला आता कोटी दिसन आई बायची जात कोटी हिंडून जी आता 2 महिने झाले लयन नसे लयन राहिला उजीड राहिला तर माणूस उठते नाही तर का करेन जी मी बायची जात येते एकली खावा जात त्याला जात जीवा जात आण बर बाय त्या दिव्या वाट्या आण हे पा बर तुम्हाला सास नसेल लागत तर आता का करावा बाईन का करावा हे पा खावाच्या तेलाची तुम्ही वाज घेऊन पा होय का नाही तर मग सांगा मग रांड्या रुंड्या बाईन का करावा मग। इन दिनों युवाओं में MD और ड्रग्स का सेवन बढ़ते जा रहा है, जिसके कई मामले सामने भी आ रहे हैं। नागपुर के टेकानाका, मोमिनपुरा और जरीपटका इन इलाकों में MD की चोरी, छुपे बिक्री और सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है। इसलिए जरीपटका, यशोधरा और तहसील पुलिस थाना द्वारा नागरिकों को आह्वान किया जा रहा है कि आपको कोई भी इस तरह की जानकारी हो तो पुलिस को आकर जरूर बताएं। मादक द्रव्य का सेवन, जिसे नशीली दवा के सेवन के रूप में भी जाना जाता है, उस पदार्थ के उपयोग के एक दोषपूर्ण अनुकूलनीय पद्धति को सूचित करता है जिसे निर्भर नहीं माना जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से आपका ब्रेन सही से काम करना बंद कर देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज़ की रिपोर्ट है कि ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स सभी प्रभावित होते हैं। ब्रेन स्टेम आपके रोजाना जीवन के कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें नींद, श्वास और हृदय गति शामिल है, जबकि लिम्बिक सिस्टम्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अधिकांश सरकारों ने कुछ खास प्रकार की नशीली दवाओं के उपयोग को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कानून का निर्माण किया है। इन नशीली दवाओं को अक्सर गैरकानूनी दवाएं कहा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से बिना लाइसेंस के उनका उत्पादन करना, वितरण करना एवं उन्हें अपने अधिकार में रखना गैरकानूनी है। इन दवाओं को नियंत्रित मादक द्रव्य भी कहा जाता है। सरकार अधिकार के लिए भी कानून दंड काफ़ी कठोर हो सकते हैं। विभिन्न देशों में और उनके भीतर भी कानून में भिन्नता हो सकती है और पूरे इतिहास में कानून व्यापक रूप से बदलते रहे हैं, इसलिए नागरिकों को इसके प्रति चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वीकेबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।
नई कामठी थाना क्षेत्र में पिछले एक माह में 5 घर चोरी करने वाले आरोपियों को कामठी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस चोरी में चोरी के संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस चोरी में विभिन्न घरों से सोना, चांदी, नकदी आदि बरामद किया गया है। इस वर्ष कुल 10 घरों में सेंधमारी हो चुकी है, जबकि जांच जारी है। जे आरोपी अटक के लिए है ते एकाच परिसरातले आहे, कुंभारे कॉलनी भागातले आहे आणि कुंभारे कॉलनी ड्रॅगन पॅलेसचा जवळपासचा एरिया जो आहे त्या एरियामध्ये ह्या घरफोड्या झाल्या होत्या। जे आरोपी अटक केलेले आहेत त्यामध्ये मोहम्मद जुबेर, विभोर नागदेवे, सलमान खान असे 3 आरोपी आहे आणि त्यांना आम्ही 29 तारखेला अटक केली। त्यांच्याकडे जेव्हा विचारपूस चालू झाली आमची, त्यानंतर त्यांच्याकडून एक एक करत 5 घरफोड्या रिकवर झालेल्या आहेत। ह्या 3 एका फक्त विभोर नागदेवे याच्यावर 1 तार चोरीचा गुन्हा दाखल आहे यापूर्वीचा, आणि बाकी दुसरे 2 आहे हे अननोनच होते, यांच्यावर यापूर्वी काही गुन्ह्यामध्ये कुठली अटक झालेली नव्हती। परंतु ह्या 5 घरफोड्यांनी केलेल्या आहे, याच्यातला आम्ही मुद्देमाल आहे बऱ्यापैकी रिकवर केलेला आहे, म्हणजे गोल्ड, सिल्वर, TV, धातूची मूर्ती अशा सगळ्या गोष्टी रिकवर झालेल्या आहेत। त्यामध्ये जवळपास 130,000 माल रिकवर केलेला आहे आणि काही कॅश गेली होती सगळे गुन्हे मिळून, साधारण 75,000 जी कॅश गेली होती ती रिकवर होऊ शकली नाही, कारण कालावधी बऱ्याच आहे, मध्यंतरीचा 3-4 महिन्याच्या कालावधीतल्या या सगळ्या घरफोडी आहे। तर कॅश सोडून बाकी सगळे आर्टिकल्स जे आहे ते रिकवर झालेले आहे आमचे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में प्रवेश के लिए इस साल 11 अगस्त को पूर्व प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए सोमवार 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने सर्कुलर जारी किया है। छात्र 7 अगस्त को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छात्र 9 तारीख को वेबसाइट पर लॉग इन कर परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ₹20 शुल्क ले चुका है। अब ओपन कैटेगरी के छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं उन्हें ₹350 और कैटेगरी के छात्रों को ₹250 देने होंगे। विश्वविद्यालय विभाग में MSc की करीब 530 सीटें हैं तो अन्य संकायों में भी इतनी सीटें हैं। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।